दुनियादारी का रंग लाजमी चढ़ता है, अच्छा चढ़े या बुरा वो एक अलग बात है, लेकिन आदमी भी रंग दुनियादारी का ही चढ़ता है। कैसे ज्यादा वाहवाह हो सकती है, कैसे अच्छे नेक कर्म पुण्य बन जाते हैं, कैसे स्वर्ग जन्नत जैसा नजारे आने लगते हैं, यह संभव है सब कुछ। लेकिन कैसे आवागमन से मुक्ति मिले, कैसे सारी दुनिया को बना ले बनाने वाले ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को पाया जा सकता है, किस तरह उस परम पिता परमात्मा के दर्शन कण कण में जर्रे जर्रे में हो सकते हैं, ये पता तभी चलता है जब जीव सत्संग में चल के आता है। आवागमन से कैसे मुक्ति मिले, घर में कला कलेश पाप कर्म जो हैं उनसे मुक्ति कैसे मिले, आवागमन से मुक्ति हासिल करके परमपिता परमात्मा के दर्शन कैसे हों, यह सब सत्संग से ही मालूम हो सकता है। आदमी जीते जी बेइंतहा खुशियां हासिल करना चाहता है, आदमी चाहता है कि उसे बेहद आनंद मिले, शारीरिक खुशियां, पारिवारिक खुशियां, अंदर खुशियां, बाहर खुशियां, हर समय खुशियों के ढेर लगे रहें, यह हो सकता है, यह संभव है। यही खुशियां नहीं बल्कि आने वाला जो समय है उसमें भी आपके लिए खुशियां ही रहें, यह भी संभव है। आप अब की चिंता करते हो, अरे आने वाले समय को भी सुधार देता है अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम। सुमरण करो, सुमरण से इस समय जो समय चल रहा है, आपको कोई परेशानी है, मन आपका हावी है, आप गमगीन हैं, आप बीमार हैं, बीमारी एक तरह से नहीं होता, बीमारियां कई तरह की होती हैं। एक होते कर्म रोग, पिछले जन्मों में भयानक कर्म किए उनकी सजा सर्वोत्तम मनुष्य शरीर में आत्मा को भोगनी पड़ती है, जो राम नाम से कट सकते हैं और किसी भी दवा दारू से वो नहीं कटते। एक होते हैं आदमी के अपने खरीदे रोग, लापरवाही से किसी न किसी वजह से कोई चोट खा ली या किसी इस तरह से, वो कटते हैं दवा और दारू से। एक होते कर्म रोग और खुद का खरीदा रोग, वो कटते हैं सुमरण और दवा। भक्ति इबादत करते रहो, दवा दारू करते रहो, दवा और दुआ दोनों मिलकर उस कर्म को खत्म कर देते हैं। तो इस तरह से कई तरह के रोग हैं जिससे लोग ग्रस्त हैं। मन का रोग तो सबसे बड़ा रोग है, जो मन का रोगी हो जाता है या भोग का रोगी हो जाता है उसे सद्गुरु की अच्छी नेक बातें अच्छी नहीं लगती। सारा दिन भोग विलास, सारा दिन बुरे विचार, सारा दिन गलत गलत सोच, नेगेटिव थॉट्स दिलो दिमाग में छाए रहते हैं, संत पीर फकीर की बात फिर अच्छी लगनी बंद हो जाती है, या फिर आदमी को मन का अहंकार, मन का रोग लगा होता है। बैठा सत्संग में, सत्संग सुन लिया क्योंकि साथी संगी बैठे हैं, सारे सोचेंगे यार ये बड़ा बेशर्म है, सत्संग नहीं सुनता, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ता, इधर उधर के ख्याल, उसे देख लिया आदमी कैसा है, औरत कैसी है, फलां कैसा है, दिंकड़ कैसा है, अंदर गुलगुले बनाने शुरू कर दिए, मालपूड़े बनाने शुरू कर दिए। सो तरह तरह के विचार महापाप बन जाते हैं सत्संग में। चलो विचार आ गए, फिर से मालिक की तरफ लगाओ, फिर से सतगुरु की तरफ लगाओ, लानत डालो मन पे कि ये मना लानत है तेरे पे, जो तू टिकता ही नहीं, बैठता ही नहीं। तो ये मन रोगी सबसे भयानक रोगी होते हैं। सो मन के रोग से अगर बचना चाहते हो, सुमरन भक्ति इबादत की दवा करनी ही होगी।